नमस्कार। कम जगह है और गार्डनिंग का शौक है तो मलाल की कोई बात नहीं। आज जहां मैं हूं ये है करीब दो बालकनियों जितनी एक जगह, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर है और छोटी सी, इसको छत कहें या बड़ी सी बालकनी कहें। और इस छोटी सी जगह में कम से कम 500-700 पौधे लगे हुए हैं, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? और ये पॉसिबल हुआ है श्यामा जी की मेहनत से। मैं हूँ आज श्यामा जी के घर, जो कि एक बहुत एक्सपीरियंस्ड गार्डनर है, बहुत सीनियर गार्डनर है और बहुत क्रिएटिव है। तो किस क्रिएटिविटी के साथ इन्होंने यहाँ पर इतने सारे पौधे इतनी कम जगह में समाये हैं, तो आज के वीडियो में देखेंगे। बस बने रहिए मेरे साथ आखिर तक। मैं हूँ अंजना, वेलकम टू अमलान पार्क। अब छोटी सी जगह में ज्यादा से ज्यादा पौधा लगाने के यहाँ दो तरीके देखेंगे आप। एक तो हैंगिंग बास्केट्स का बहुत इस्तेमाल किया और दूसरा स्टैंड्स लगाए हैं। तो किस तरीके से स्टैंड्स पे ट्री गार्डन्स बनाए हैं, कुछ कंटेनर गार्डनिंग की है, उन सबको देखते जाइए और मिलिए श्यामा जी से। इतने पौधे मल्टीप्लाई करती हैं कि एक पौधों से 100 पौधे बनाती हैं और पौधे गिफ्ट करना आपका शगल है। कोई भी आपके घर आएगा खाली हाथ नहीं जाएगा। आज तक मैं भी जब भी इनके घर आती हूँ एक पौधा जरूर लेके जाती हूँ। तो श्यामा जी, कितने साल से आप गार्डनिंग कर रहे हैं बताइए सभी व्यूअर्स को। 35 साल तो हो गए होंगे। तो 35 साल से गार्डनिंग करते करते देखिए कितने पौधे बनाए और आज आपके गार्डन को देखते हैं। बहुत क्रिएटिव है श्यामा जी और उनकी क्रिएटिविटी इस छोटे से एरिया में झलकती है। तो एक बार इस पूरे गार्डन का थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं। ये समझिए एक बैल्कनी जितना हिस्सा हो गया, ये एक बीच का पार्ट है और ये एक दूसरी बैल्कनी जितना हिस्सा है। अब हम इन्हें एक एक चीज को करीब से देखते हैं। यहाँ स्टैंड्स पे बहुत सारे मिनिएचर गार्डन्स हैं, ट्रे गार्डन्स, जो कि कोई ना कोई सीन डिपेक्ट करते हैं और सबसे अच्छी बात है कि एक ही पॉट में कुछ पत्थरों का इस्तेमाल करते हुए कुछ सीनरी डेवलप करती है। देखिए 5-5 पौधे, 6-6 पौधे एक ही ट्रे में लगे हुए हैं। मैं पौधों के नाम बताती चलती हूँ। ये अरेलिया और सेंसेवेरिया है, दोनों किस्म के अरेलिया आपको दिखाई दे रहे हैं, एक प्लेन है और एक शेडेड है। और कुछ पत्थरों से सीनरी बना लेते हैं। ये भी अरेलिया ही लगा हुआ है, बुद्धा के साथ एक सीन क्रिएट किया है। ये फिर से एक अरेलिया। बेस्ट पार्ट है कि अरेलिया कटिंग से बहुत अच्छे से ग्रो करता है, खासतौर से जो प्लेन ग्रीन वाला अरेलिया होता है। ये थोड़ी अलग वैरायटी है अरेलिया की, ये पौधे से ही बनाया गया होगा और साथ में एक बहुत सुंदर सा सीन बन जाता है। थोड़े चिप्स लगाइए, थोड़ी घास लगाइए, थोड़ी रेलिंग लगाइए। और इसी तरीके से ये कुछ सीन बना दिया है, झोपड़ी लगाई, सीढ़ियां बनाई, ये सीमेंट के लड्डू जैसे बना दिए हैं। ये फाइकस के साथ ट्रेस हैं, ये पोलका डॉट और अरेलिया के साथ ट्रेस है। तो आप देखिए एक ट्रे में कम से कम 5-6 या 7 पौधे भी नजर आ रहे हैं और साथ ही एक सुंदर सा सीन बनता है। ऐसी चीजें बना के आप गिफ्ट भी कर सकते हैं। ये ट्रे जीजी के साथ थी, फिर ये जेट और ये ग्रीन पोथोस चला हुआ है नीचे से लेके ऊपर तक इस छोटी सी हैंगिंग बास्केट में। तो जब एक बहुत अच्छा माहौल मिलता है, बहुत सारे पौधे होते हैं, तो पोथोस बहुत अच्छी तरह ग्रो करता है और लाइन से इसी तरीके से बास्केट्स लगी हुई हैं। किसी भी छोटी स्पेस में इन हैंगिंग बास्केट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो कोई भी फ्रेम लगा लीजिए, या जैसे यहाँ ग्रीन नेट की वजह से फ्रेम लगा हुआ है और इन पे अनगिनत हैंगिंग बास्केट्स टांगी जा सकती है। बैल्कनीज में आप रॉड्स लगा सकते हैं। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, मैक्सिमम प्लांट्स इन मिनिमम स्पेस, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप देखिएगा। और उससे और आइडियाज आते हैं कि कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा पौधे कैसे लगाए जाए। चलिए और पौधे देखते हैं। और यहाँ भी 3-लेयर्ड स्टैंड्स पर बहुत सारे पौधे हैं, जिनमें फॉक्सटेल फर्न दिखाई दे रहा है, सिंगोनियम है, स्पाइडर प्लांट है, ऊपर ड्रेसीना है, डिफेनबेकिया है। ऊपर से नीचे तक जब बहुत सारे पौधे लगते हैं पास पास, तो एक बहुत अच्छा माहौल बन जाता है। और नीचे यह है क्लांचू की लाइन। क्लांचू का सीजन खत्म हो गया है, लेकिन इन्हीं के बीच में टुवर्ड्स दैट कॉर्नर ये एक बहुत ही सुंदर सी झोपड़ी के साथ एक कॉर्नर बन गया। ये आप अपनी बैल्कनी में भी बना सकते हैं। और ये जो राइट साइड में बहुत सारा झुरमुट है पौधों का, इसके पीछे एक कहानी है, क्योंकि इसके पीछे छुपी हुई है ये टंकी। ये एक बहुत बड़ी सी टंकी है जिसको छुपाने के लिए पौधों का इस्तेमाल किया और उसके आगे ये एक सील बना दिया। देखते हैं कैसे बना है। मकान बनाया तब ये दो मार्बल के मेरे पास पत्थर बच गए थे स्लेब्स, तो मैंने यहाँ लगा के, और मेरे पास छोटे छोटे गमलों में बहुत सारे पौधे लगे थे तो उन सबको वो बिखरे हुए थे, तो मैंने एक जगह इकट्ठे करके इसकी एक सीनरी क्रिएट करी। और ये रॉक्स बनाई, ये रॉक्स हाथ से बनाई हुई है, सारी रॉक्स बना के एक सीनरी क्रिएट कर सकते हो आप इस तरह।
इस असॉर्टेड प्लांट कलेक्शन और सीनरी के साथ देखिए क्या क्या इस्तेमाल हुआ। पत्थर इस्तेमाल हुए, मटकी में से बहता हुआ झरना बनाया गया, कई सारे ये पत्थर हैं जो कि हाथी से बने हुए हैं, और ग्रीन ग्रास को लगाते हुए कुछ ऐसा सा सीन बन गया जैसे आप वाकई किसी जंगल के अंदर बैठे हुए हैं। और जो पौधे सीनरी में इस्तेमाल किए हैं उनमें फर्न, सिंगोनियम, अरेलिया, जीजी प्लांट, स्पाइडर प्लांट, फाइकस, तो जो भी इस किस्म के असॉर्टेड प्लांट्स हैं उन सबको एक साथ बना के कितना खूबसूरत जंगल बनाया जा सकता है। चलिए अब चलते हैं दूसरी तरफ, जो कि आप समझिए एक बैल्कनी में ये सब चीज़ें डेवलप की जा सकती हैं। यहाँ स्टैंड पर ये तौलिए से बनाए गए हैं, टावल को सीमेंट में डुबो करके ये शंख बनाया, ये पहाड़ बनाए और उसी में ये पॉट्स भी बना लिए जिसमें हेवर्थिया लगा हुआ है। ये टॉवल से ही पॉट बन गया जिसमें डेविल्स बैकबोन लगा हुआ है। अलग अलग सीन्स हैं जिसमें फाइकस है, नोलिना का इस्तेमाल किया हुआ है, ये फिर से फाइकस। इसी तरीके से अलग अलग पौधों के साथ आप ट्रेस बना सकते हैं। और इस जीजी प्लांट में नीचे जो पत्तियां देख रहे हैं ये सकलेंस की पत्तियां प्रोपगेट हो रही हैं, और जब बहुत सारे सकलेंस बन जाए तो इस तरीके से ट्रेस बनाई जा सकती हैं। और देखिए कितने सारे सकलेंस एक ट्रे में बहुत आराम से विराजमान हैं, तो गिन नहीं सकते हम कितने सारे हैं, पता नहीं शायद 10-12 सकलेंस तो आराम से हैं हर ट्रे में। तो गिन लीजिए उस हिसाब से कितने सारे पौधों का शौक इस छोटी सी जगह में पूरा किया जा सकता है। और साथ ही जब हम कुछ खूबसूरत चीज़ें दूसरी चीज़ें मिलाते हैं, फेंस मिलाई, कुछ कलर डस्ट मिलाई, तो कितना सुंदर सीन भी बन जाता है। ये जो कोना है यहाँ पे 5-6 पॉट्स के साथ हाइट दी गई है, बहुत सारे पौधे लगाए। और पीछे का मैं राज आपको बताती हूँ श्यामा जी का, गार्डनिंग में इतना सामान यूज होता है, ये पीछे स्लैब है और उन सबको ढक दिया इस मनी प्लांट से, तो 2-in-1 प्रोजेक्ट है ये। और ये हैं कुछ बोनसाई, इमली, पिलखन। गार्डनिंग करना और गार्डनिंग में 3-4 घंटे देना मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य तभी ठीक रह पाता, वरना मैं बीमार पड़ जाती। आइए अब चलते हैं जेड सेक्शन में, तीसरा सेक्शन। यहाँ सारा जेड कलेक्शन है। जेड एक ऐसा वर्सेटाइल पौधा है जो कि जितना कटिंग करें उतना खूबसूरत होता है, और हर कटिंग लगाई जा सकती है। तो ये ज्यादातर पौधे कटिंग से ग्रो किए गए होंगे, क्योंकि श्यामा जी बहुत पुरानी गार्डनर हैं, सीनियर गार्डनर हैं, और जितनी कटिंग की होगी तो हम सोच सकते हैं कितने पौधे लगाए होंगे। टोपियारीज बनती हैं, कई सुंदर टोपियारीज के वीडियोस भी मैंने आपके साथ बहुत सारे शेयर किए हैं, उन्हें देखिएगा। और इस तरीके से कटिंग से बहुत सारे पौधे बना के गिफ्ट किए जा सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉट है, इसके बारे में जानते हैं। ये 2 टुकड़ों में बना हुआ है, आधा नीचे आधा ऊपर। इसको पहले मिट्टी का बेस बनाकर और उसके ऊपर सीमेंट डालकर ये स्टोन चिपकाए हुए हैं। स्टोन ये पोरस वाले स्टोन है ग्रे कलर के। जब ये दोनों सूख जाते हैं तो आपस में नीचे वाले को सीधा करके यहाँ लगा दिया जाता है। और ये जो मिट्टी है इसमें प्लांट्स लगा सकते हैं, नीचे वाली मिट्टी आप चाहे तो निकाल सकते हैं। तो जेड का इंटरेस्टिंग पार्ट है कि कटिंग से बहुत पौधे बनाइए, बहुत गिफ्ट कीजिए, और बहुत आसानी से ये मेंटेन भी हो सकता है। अभी अभी श्यामा जी ने थोड़े से कमल उगाए जो अभी खिले नहीं है, अभी बहुत छोटे बेबीज हैं। तो आज का वीडियो देखकर आपको ये तो लगा होगा कि चाहे छोटी सी छत हो या बैल्कनी हो, गार्डनिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। छोटी सी जगह में भी आप बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं, और इतने अच्छे क्रिएटिव आइडियाज देखे हैं। तो लाइक अगर अभी तक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने यूनिक आइडियाज एक वीडियो में आपको नॉर्मली नहीं मिलते हैं। खूब शेयर कीजिए और रमजान बाग को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही कमेंट में हमें बताइए कि आपको कौन सा आइडिया बहुत अच्छा लगा, तो इससे हमें भी खुशी होगी, श्यामा जी को भी बहुत अच्छा लगेगा। और साथ ही अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं, 1-on-1 सेशन करना चाहते हैं, गार्डनिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लर्न विद अमलान का फॉर्म होता है, वहां जाके आप साइन अप करके मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।